अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू परिंदे की फरियाद, इसके सवालों के जवाब लिखेंगे। पेज नंबर 79 निकालें आप। सवाल नंबर 1, परिंदों को गुजरे हुए ज़माने की कौन कौन सी बातें याद आ रही है? शाबाश, परिंदे को गुजरे हुए ज़माने की बहुत सी बातें याद आती हैं और वो कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरे दोस्त आज़ाद हैं और मैं कैद में हूँ। उसे बहारों में परिंदों का चहचहाना और बागों में रंग बिरंगे फूलों का खिलना और ख़ूबसूरत बागों में कलियों पर शबनम का मुस्कराना, हर चीज़ उसे बहुत याद आती है। सवाल नंबर 2, परिंदा कफ़स में किसकी आवाज़ सुनने की आरजू करता है? शाबाश। सवाल नंबर 2 का जवाब, परिंदा कफ़स में अपने साथियों की आवाज़ सुनने की इल्तजा या आरजू आरजू या इल्तजा करता है। सवाल नंबर 3, परिंदा खुद को बदनसीब क्यों समझता है? शाबाश, परिंदा खुद को बदनसीब इसलिए समझता है कि वो कैद में है और उसके साथी आज़ाद हैं। वो अपने घर को तरस रहा है, इसलिए वो अपने आप को बदनसीब समझता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिंदे को अपने चमन की कौन सी चीज़ें याद आ रही हैं? शाबाश, परिंदे को अपने चमन के रंग बिरंगे फूलों और कलियों पर शबनम के कतरे और परिंदों की आवाज़ें याद आती हैं। सवाल नंबर 5, किस्मत को रोने से क्या मुराद है? किस्मत को रोने से मुराद अपनी बदकिस्मती पर रोना है। अब है दूसरा पार्ट इसका, दिए गए मिस्रों को नसर में लिखें। अब ये मिस्र दिए गए हैं, इनको नसर में हमें लिखना है। पहला मिस्र है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। अब नसर में इसको कैसे लिखेंगे? मुझे गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। दूसरा पार्ट है, लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम। इसको नसर में लिखेंगे, दिल पर चोट लगती है जिस दम याद आता है। तीसरा है, होती मेरी रिहाई एकाश मेरे बस में। अब इसको नसर में हम लिखेंगे, एकाश मेरे बस में मेरी रिहाई होती। लास्ट पे चौथा पार्ट है इसका, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊं। अब इसको नसर में लिखेंगे, कफ़स में डर है कि मैं यही गम से मर न जाऊं। तो ये हमारे ये परिंदे की फरियाद सबक के सवालों के जवाब मैंने आपको लिखवाए यहाँ पर। आप सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर लिखें, साफ साफ लिखें और याद करेंगे। तो बस आज के लिए इतनी काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।